हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंस लाइफ, जो कि मैं सबसे पहले आपको बताता आया हूँ आज तक इसके बारे में। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको नई नई जगहें दिखा सकूँ। ओके, ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग है क्योंकि मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। तो सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएँ। तो आज हम आए हैं इंडिया की बहुत बड़ी सिटी कॉल मुंबई, उसकी एक जगह है जुहू बीच, इसको दिखाने आया हूँ मैं आज। तो यहाँ इसी के पास में एयरपोर्ट भी है, तो आप एयरप्लेन देख रहे होंगे ऊपर से निकल रहा है ना। तो यहाँ पे ये संडे की इवनिंग है, शाम का टाइम है 4 बजे का, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। मैं सबको यही बोलूँगा शाम के टाइम पे मत जाएं, क्योंकि सैटरडे और संडे यहाँ पे फुल क्राउड होता है, लोग बच्चों के साथ फैमिलीज़ के साथ पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ पे। मज़ा आता है, आई नो, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मज़ा भी आता है, कुछ लोगों को मज़ा आता है। एक्चुअली मुझे ज़्यादातर खाली जगहें पसंद है जहाँ पे लोग बहुत कम हो। ये बहुत क्राउडेड था, मुझे भी नहीं पता था, मैं एक्चुअली किसी और काम से आया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा मैं किस काम से आया था। तो मैं जुहू बीच पर पहुँच गया, बट जुहू बीच पे मैं जाता हूँ लेट नाइट, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी हवा होती है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बॉडी मसाज के लिए लोग मिल लड़के मिल जाते हैं, आप यहाँ पे बॉडी मसाज करवा सकते हो, तेल मसाज भी बोलते हैं। मैं लेट नाइट आता हूँ 12-1 बजे के बाद, 1-2 बजे तक इधर बैठने का अच्छा, मतलब वेदर बहुत अच्छा होता है गर्मी के दिनों में। अभी जो वेदर है वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है रात को, डे टाइम इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है। तो बहुत सारी वेव्स हैं और ये पहली छुट्टियां हैं बॉम्बे में, बच्चों की। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम आएंगे बाय ऑटो कि उनको जुहू बीच जाना है, तो उनको रामाडा प्लाजा पाम होटल के पास उतारा जाएगा। तो आप यहां पे आके खड़े रहेंगे जहां पे मैं खड़ा हूं, और सामने आपको दिखेगा समंदर, राइट साइड में भी लोग ही लोग हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक लोग ही लोग दिखेंगे, चाहे लेफ़्ट साइड हो राइट साइड हो। यहीं मिडल में आप देखोगे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, चद्दर बिछा के चटाई बिछा के खाना खा रही हैं। ओके, बैलून्स वाले हैं, भुट्टे वाले हैं, फिर शुगर लच्छा है जिसको बोलते हैं, शुगर कैंडी है, बच्चे नहा रहे हैं वेव्स में। तो मतलब बहुत बहुत फन है अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आते हो। इस साइड में जाएंगे तो ये वड़ा पाव, ओके, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। देन कुछ काला खट्टा गोला, वो बहुत सारी शॉप्स हैं, पूरा एक मार्केट बना हुआ है उसके अंदर। और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा बीच है, ये बॉम्बे का सबसे बड़ा बीच है जुहू बीच, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे हैंग आउट करने आते हैं होल डे में। आप देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी फैमिलीज आई हुई हैं, ये एक तरह का कुंभ मेला हो गया, पता है, कुंभ के मेले जैसा बन चुका है ये यहाँ पे। और मैं भी एक्चुअली देख के एकदम से हैरान हूँ, लाइक इतने सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ बट इतना क्राउड ट्रस्ट मी मैंने कभी नहीं देखा है। मैं जहाँ तक नज़र लेके जा रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ कैमराज को, बट स्टिल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं पूरे बीच के ऊपर, एंड तक आप देखिए लोग ही लोग हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि खाली हो। नारियल वाला है, नारियल बहुत फेमस है बॉम्बे का, नारियल ज़रूर खाएँ। ये एयरपोर्ट से, मतलब यहाँ पे बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया का, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ से उड़ती हैं 24 आवर्स में, 969 फ्लाइट्स इन 24 आवर्स में यहाँ से फ्लाई करती हैं। आप यकीन कर पाओगे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे इतनी सारी फ्लाइट्स एक साथ उड़ती हों, वो सिर्फ इंडिया में, और इंडिया में सिर्फ बॉम्बे में, और अभी मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो एवरी 3 से 5 मिनट के अंदर आपको एक फ़्लाइट उड़ती हुई दिखाई देगी, एक जहाज़ ऊपर से निकलता हुआ एरोप्लेन दिखाई देगा आपको। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा नमूना जो मैंने एक्चुअली बनाया था। ये वीडियो बहुत लंबा था, कुछ 8 मिनट का वीडियो था, उसको मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको सिर्फ सनसेट दिखाने की कोशिश की है। कि अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबा के और बताएं मुझे। आज की वीडियो में इतना ही, जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।